एट्थ क्लास बेटा, आपका कंप्यूटर में एमएस वर्ड के चैप्टर स्टार्टिंग वर्ड के बारे में आपके चैप्टर बताया हुआ है। वर्ड में प्रैक्टिकल भी आपको थोड़ा सा मैं करके बता देती हूँ। जैसे बच्चे हमने जैसे एमएस वर्ड में कोई भी टाइपिंग करते हैं, एमएस वर्ड में हमने टाइपिंग की हुई है, ये देखो। अब इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है हमने, कैसे करना है। सबसे पहले सारा हमने सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए शॉर्टकट कमांड बताई थी आपको, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया अपना जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है हमने। फिर हमने क्या करना है, होम पे ये सारी फॉर्मेटिंग आप लोगों को प्रैक्टिकली आनी चाहिए बेटा करनी। जैसे सबसे पहले पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, जितने पोर्शन पे हमने उसकी इफेक्ट चेंजेस करनी है। जैसे ये बी पे किया तो हमारा बोल्ड थोड़ा सा, आप देखो इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसकी शेड कैसी हो रही है, थोड़ी सी मोटी शेड में आ रहा है। आई से क्या होगा, टैलिक्स, आई फोर टैलिक्स, इससे क्या देखना है इफेक्ट पड़ेगा इसका, थोड़ा सा ये हमारा पोर्शन है जो टेडी शेप में आ जाएगा। देखो यू से क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा, सारी चीज़ें जो भी हमने लिखी वो सारी अंडरलाइन हो जाएगी। यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये देखो जो भी आप चाहते हो यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर लो, ठीक है। ऐसे करके हमने जैसे मान लो ये वाली हम रख लेते लैंग्वेज, यहाँ से ये हमने चेंज कर लिया। साइज करना है यहाँ पे गे, यहाँ से साइज रख लो, जितना साइज रखोगे साथ में आपको फैक्ट देखो उसका पता चल रहा है, 18-16 करना है, जितना आपने साइज उसका करना है उतना कर लो। यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हो स्मॉल ए से, ये देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा लोअर केस में आ जाए पैराग्राफ लिखा, लोअर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे सारा देखो हमारा लोअर केस में आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सारा अपर केस में आ जाए, कैपिटल लेटर्स में आ जाए सारा कुछ, तो सारा देखो आपको कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। अगर हम चाहते कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल में हो बाकी सारे स्मॉल में हो, उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करो, देखो फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल आएगा बाकी सारे स्मॉल्स में आ जाएंगे। यहाँ से पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट करना है, राइट करना है, ठीक है, सेंटर में करना है, ये सारा यहाँ से आप लोग कर सकते हो। जैसे कॉपीज में हम लोग टिक करते हैं लाइनों के आगे, ठीक है, नंबरिंग डालते हैं, सिंबल्स डालते हैं, बुलेट्स डालते हैं, बुलेट्स यहाँ पे क्या होते हैं सिंबल्स, यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ से कोई भी आप सिंबल ले लो, ठीक है, कोई भी सिंबल लेना चाहते हो आप। यहाँ से ये वाला सिंबल देखो आपकी लाइन के आगे सिंबल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नंबर से हो स्टार्ट तो यहाँ पे नंबर ले लो, ये देखो 1-1 आ गया, ए बी सी लेना है, ए बी सी आ रहा है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से आप नंबरिंग ले सकते हो, नंबर ले लो आप, कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से इसका, देखो रेड लेना है, येलो, जो भी आप कलर चाहिए यहाँ से आप इसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो सारा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब पेज लेआउट पे जाके यहाँ पे भी देखते हैं क्या इफेक्ट, इंसर्ट पे भी आपको बताया ये सारा बताएंगे कि कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं हम, इसके अंदर पिक्चर लगानी है, कोई क्लिप आर्ट देना हमने, ठीक है, चार्ट्स वगैरह, ये सारा आप लोग इसमें प्रैक्टिकली देखोगे। पेज लेआउट में जाके ये वॉटर मार्क, पेज का कलर चेंज करना, हमने पेज का कलर भी आपको पहले बताया था, यहाँ से हम कोई भी पेज कलर, यहाँ से देखो बैक साइड पेज कलर चेंज हो गया, ठीक है, तो वॉटर मार्क देना है पीछे, आपने पेज के पीछे वॉटर मार्क देना है, तो यहाँ पे कस्टम वॉटर मार्क पे गए, तो यहाँ पे हमने ये देखो प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोई भी चीज़ लिख दो पीछे इसके वॉटर मार्क देने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया लिख दिया है, ठीक है। उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग उसका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे ब्लू दे देते हैं, ठीक है, तो अप्लाई, ठीक है। उसकी बैक साइड आपको ये देखो इंडिया दिखाई दे रहा है ना, पेज के बैक साइड इंडिया, इसके ऊपर कोई भी टाइपिंग कर सकते हो आप लोग। ये पेज के बैक साइड आपने वॉटर मार्क लगाया, पेज का बॉर्डर देना है, पेज बॉर्डर पे गए, यहाँ से कोई भी आर्ट ले लो, कौन सा आर्ट लेना चाहते हो, जैसे ये फर्स्ट वाले ले लेते हम, ठीक है, तो कितना यहाँ से
शैडो किस टाइप की चाहते हैं आप, यहाँ से ले लो, ठीक है ये ले लो, ओके कर दो। देखो साइड पे आप देख पा रहे हो ना बेटा, ये देखो बॉर्डर भी आ गया पेज के, फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज आ गया, ठीक है। ये देखो पेज के बैक साइड बॉर्डर्स आ गया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगी, ये यहाँ पे इंसर्ट में ये सारा यूज़ करके बताऊंगी, कवर पेज प्लाई, ये टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, ये सारा कुछ हम देखेंगे करके। तो ये सारा आपने किस में किया है, एमएस वर्ड में। सेव करना चाहते हो सेव कर दो, नहीं तो डोंट सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। सेव करना तो आप सेव करके इसको अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। थैंक यू।